नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, चुनाव का माहौल है और पूरी गर्मजोश के साथ सारे पार्टी का नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर आरोप कर रहे हैं। स्वाभाविक है, जनता भी अपना रवैया रख रहा है और ये पूरा इलेक्शन का माहौल ऐसे लग रहा है, जब हम लोग अलग अलग जगह जाते हैं, जनता से मिलते हैं, नेता से मिलते हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे कि ये पूरे थिएटर में होता है ना ड्रामाबाजी, ये पूरे रची रचाई स्क्रिप्ट और उसको प्ले करो, किसको कैसे अटैक करना है, सच बोलना है, झूठ बोलना है, ये सारा एक इलेक्शनियरिंग प्रोसेस का एक पार्ट ही हो चुका है। मानो अब जैसे दिल्ली में क्या ड्रामाबाजी चल रहा है, अब मैं थोड़ा ड्रामा करना चाहता हूँ, क्योंकि जब राजनेता ही ड्रामा कर रहे हैं, हमने सोचा कि थोड़ा ड्रामा हम ही कर ले। और ड्रामा का शुरुआत यहीं से हो रहा है कि मेरे आंसू रुक नहीं रही है। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का एक वीडियो आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें वो कह रही थी कि अरविंद जी ने जेल से संदेश भेजा है कि मेरी अनुपस्थिति में दिल्ली वालों की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये सुनकर मेरे भी आंखों में आंसू आ गए हैं। आखिर किस मिट्टी का बना हुआ है इंसान जो इस मुश्किल वक्त में भी अपने नहीं दिल्ली वालों की परेशानी का इसको चिंता है, बहुत गहरे सोच में है कि मैं जेल में हूँ तो मेरे दिल्ली वाले बेचारे क्या कर रहे होंगे, मेरे बिना वो कैसे जी रहे होंगे, तड़प रहे होंगे, और दिल्ली में क्या हालत है गर्मी में आप लोगों को पता है। रात को 10 बजे के बाद जब आप पटरियों में चला जाएंगे, हजारों लोग मिलेंगे आपको पटरियों में सोते हुए, गर्मी में, ठंडी में, बाकी हालत मैं बताना नहीं चाहता हूँ। ये वही मुख्यमंत्री है जिनके दिल्ली की जनता ने दो दो बार जिताया और आज दिल्ली की हाल बेहाल है, आरोप है उसके चलते जेल में है, और जेल में होते हुए भी केजरीवाल साहब आंसू बहा रहे हैं। उस समय में जब ये हो रहा था, मैंने कहा ना, मैं भी रो पड़ा, मुझे भी बड़ा दुख हुई और विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पास एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो जेल से भी लोगों के बारे में सोच रहा है। मैं परेशान था, भटका हुआ था, सोच रहा था कि मुझे भी क्या करना चाहिए, दिल्ली क्या करेगी अपने प्रिय मुख्यमंत्री के लिए जो सत्ता नहीं बल्कि लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनको कंस्पिरेसी के तहत किसी ने जेल भेज दिया, ऐसा उनका आरोप है। लेकिन रुकिए, ये क्या हो रहा है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या क्या एक खबर फ्लैश हुई सामने टीवी की पर्दा पर और मुझे मजबूरन सपने से बाहर आना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को फटकारा लगाते हुए कहा कि आपने ईडी को बयान देने से इनकार किया तो फिर आप अपने गिरफ्तारी को लेकर कैसे अपील कर सकते हैं। ये खबरें आई। अदालत ने कहा कि अगर बार बार समन भेजने पर भी आप बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार करते हैं तो जांच अधिकारी क्या कर सकते हैं, उनको तो अपना काम करना पड़ेगा। इसके पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को किताबों की आपूर्ति नहीं होने का मुद्दे पर दिल्ली सरकार की खिंचाई की और कहा कि गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री बने रहना राष्ट्रीय हित नहीं बल्कि राजनीतिक हित है
और अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार सत्ता के विनियोग में रुचि रखती है, कोट अनकोट। अदालत की टिप्पणियां तब आई जब दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि इस मामले में केजरीवाल से कुछ अनुमोदन की आवश्यकता है, जो 2021 की उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में कथित मनी लॉन्डरिंग के मामले में हिरासत में है। अदालत ने कहा कि अब तक उसने विनम्रतापूर्वक इस बात पर जोर दिया है कि राष्ट्र हित सर्वोच्च है, लेकिन वर्तमान मामले ने उजागर कर दिया है कि क्या गलत था और वो इस मामले में कोर्ट की आदेश पारित करेगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि आपने अपने हित को विद्यार्थियों को पढ़ने वाले बच्चों के हित से ऊपर रखा है, आपने अपना हित से ऊपर रखा अपना हित को और विद्यार्थी का जो हित है उसको ऊपर आपने नहीं रखा, और यह बहुत स्पष्ट है। और हम यह निष्कर्ष देने जा रहे हैं कि आपने अपने राजनीतिक हित को उच्च स्थान पर रखा है, मैं फिर कोट कर रहा हूँ, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने ऐसा किया, यह गलत है और ये बात इस मामले में उजागर हुई है, अनकोट। कोर्ट ने यह भी कहा, मैं कोर्ट शुरू कर रहा हूँ, कि मुझे नहीं पता कि आप कितनी पावर चाहते हैं, समस्या यह है कि आप पावर हथियाने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि आपको पावर नहीं मिल रही है, अनकोट। अदालत ने टिप्पणी की, आई कोट, यदि वो चाहते हैं कि प्रशासन पंगु हो जाए तो यह मुख्यमंत्री की पर्सनल कॉल है, अनकोट। मित्रों, दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि वह मुख्यमंत्री की ओर से पेश नहीं हो रहे हैं और अदालत को आश्वासन दिया कि अगर दिल्ली नगर निगम एमसीडी आयुक्त की वित्तीय मंजूरी के लिए औपचारिक अनुरोध करते हैं तो नगर निकाय की स्थायी समिति की अनुपस्थिति में भी शैक्षिक सामग्री की जो आपूर्ति ना होने का मुद्दा हल हो जाएगा। अदालत ने कहा कि काउंसिल दिल्ली सरकार के वकील शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज के निर्देश पर पेश हो रहे थे और वो कहा, आई कोट, हम आपका बयान दर्ज करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री हिरासत में है और इसीलिए दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर सकता है, अगर यह उनकी पर्सनल कॉल है तो अच्छी बात है, अनकोट। अदालत ने पूरी तरफ से अरविंद केजरीवाल की मुख्यमंत्री बने रहने के फैसला को उनका निजी स्वार्थ करार दिया। अदालत एनजीओ सोशल जुरिस्ट की एक जनहित जो किया गया था, फाइल किया गया था केस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसका प्रतिनिधित्व वकील अशोक अग्रवाल ने किया था, जिसमें नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के बाद भी एमसीडी स्कूलों में छात्रों की शैक्षिक सामग्री और अन्य वैधानिक लाभों की आपूर्ति ना होने पर प्रकाश डाला था और यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सत्ता में होने पर लालच आप पर हैवी हो जाता है और यह इस तथ्य का संकेत है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अरविंद केजरीवाल का शासन में बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड है, वो भारत में अब तक देखे गए सबसे असंगत राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने एक आईआरएस अधिकारी के रूप में शुरुआत की, लेकिन एक कार्यकर्ता बनने के उन्होंने इसे छोड़ दिया। कार्यकर्ता जब बन गए उन्होंने राजनीति में प्रवेश करने के लिए सक्रियता छोड़ दी। राजनीति में जब लोगों ने उन पर बहुत भरोसा किया और अच्छी संख्या में सीटों दी तो पीएम बनने के लिए वो दौड़ पड़े। एक बार जब वह वहाँ हार गए तो लोगों ने उन्हें दूसरा मौका दिया और दिल्ली में उन्हें सबसे अच्छा बहुमत दिया। जिस व्यक्ति को दो शानदार मौके मिले हैं उसे इसका उपयोग लोगों की सेवा के लिए करना चाहिए था, जैसा कि और नहीं
और औरों ने भी किया है दिल्ली के लिए, दो दो बार मौका मिला क्योंकि। लेकिन यह प्रकरण इस बात की पुष्टि करता है कि इस मामले में भी वह बेहद औसत दर्जे में है। उन्होंने कहा वह दिल्ली पर शासन करेंगे और उसे आदर्श राज्य बनाएंगे। अच्छी बात है। जैसे ही 2014 की चुनाव के लिए अभियान शुरू हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी भाग गए। इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं था कि वो खुद को केवल मोदी के खिलाफ ही नामांकित करेंगे, खासकर तब जब आपका यूपी में कोई आधार ही नहीं था। और इस तथ्य के लिए उन्हें दिल्ली की सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वैकल्पिक रूप में अगर उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा होता तो ये निश्चित रूप से लोकसभा सीट जीतते। लेकिन उन्होंने ठीक इसके विपरीत किया। वो फिर से बहुत ही गड़बड़ लग रहा था। एक बार जब दिल्ली की लोगों ने उन्हें दोबारा चुना और ऐतिहासिक बहुमत का साथ दूसरे बार मौका दिया, तो उन्होंने दावा किया कि वो आधी वेतन पर काम करेंगे, सरकारी कार का उपयोग नहीं करेंगे, कोई बंगला नहीं, कोई एसी नहीं, कोई स्तर की सुरक्षा नहीं लेंगे, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे उन्होंने बातें किया, आदर्श की बातें किया उन्होंने। उन्होंने शपथ ली, लेकिन हुआ क्या, करदाताओं के पैसे पर उनके लिए एक भव्य शीश महल बनाया गया, जिसका खबर आज हर तरफ से फैल रहा है। सत्ता का भूखा केजरीवाल अपने नीच और गंदी राजनीति के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, इसका प्रमाण है और अब यह स्पष्ट हो गया है। एक दशक पहले अन्ना हजारे ने जो कहा था वो आज सच हो गया है। मानो उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल सत्ता के भूखे हो सकते हैं और कोर्ट ने उस बयान पर मोहर लगा दी। कोर्ट ने जो कि अन्ना हजारे ने कहा था, कोर्ट ने उस पर बिल्कुल मोहर लगा दी। अब मित्र समय आ गया है कि दिल्ली के लोगों को यह एहसास हो कि उन्होंने अपने लिए कौन सा अभिशाप चुना है और उन्हें इन चुनावों और आगामी चुनावों में दिल्ली का शुद्धिकरण करना चाहिए। मित्रों, ये ड्रामा नहीं है। मैंने कहा था शुरुआत में मैं भी थोड़ा ड्रामा कर लूं, लेकिन आखिर देश की राजधानी में कितने विज्ञ लोग रहते हैं, आम जनता रहते हैं। आपने लोगों का दिल जीता, लेकिन जिसके लिए आपने दिल जीता था उसी बात के लिए आज आपने सबका दिल तोड़ के चले गए, जेल में है। लेकिन आपको विनम्र अनुरोध है कि कम से कम अब तो ये क्रोकोडाइल टीयर्स बहाना बंद करिए। बहुत हो चुका है, दिल्ली को आगे बढ़ना है और दिल्ली का जनता को इस बात को समझना है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए और उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।